में मौला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे में सब पीछे देख रहे हैं पूरी दुनिया शहर नजफ में और आपको एक एक्सक्लूसिव चीज दिखाना चाह रहे हैं वो मौला हुसैन और मौला बास के रोजे के दरमियान बैठकर जायरीन की खिदमत कर रहे हैं और मैं आपको ये दिखाता हूँ इस कब्र के अंदर जाके मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अरबईन में भी हम नजफ से करबला पैदल जाएं। न पूछ कैसे कोई शाह मशरकैन बना, बशर का हुस्न नबुवत का नूरैन बना, अली का खून लुआबे रसूल शीरे बतूल, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। मोमिनीन कराम, हमारी कोशिश थी कि हम आपको इस साल यानी 2016 का मुहर्रमुल हराम इराक़ की सरजमीन से दिखा सकें। हम कहाँ तक कामयाब हुए ये आपके टेलीफोन, आपकी कॉलें, आपके ईमेल, आपके वॉइस मैसेज हमें बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि आपको सरजमीन इराक से लाइव ट्रांसमिशन दिखा सकें। आपकी मोहब्बतें, आपके फ़ोन, आपकी कॉल्स, आपके ईमेल, आपके लाइक्स हमें मिलते रहे और हमें हमारी हौसला अफजाई होती रही। लेकिन एक और बात आपको कहता चलूं कि 8, 9 और 10 मुहर्रम को करबला मौला में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मौजूद थे और तकरीबन हर आदमी वहाँ पर इंटरनेट यूज़ कर रहा था, जिसकी बिना पर वहाँ की जितनी भी इंटरनेट की कंपनियाँ थी उनकी सर्विस बहुत लो हो गई थी, जिसकी बिना पर हम 8, 9 और 10 मुहर्रम को लाइव प्रोग्राम आपके लिए नहीं पेश कर सके थे। लेकिन हमने वो सारे मरासिम, वो सारी आज़ादारी, वो सारी मजालिसें, वो सारे रसूम और वो सारी ज़ियारतें अपनी कैमरे की आँख में प्रिजर्व कर ली हैं और वो वक्तन फवक्तन आप अलमहदी टीवी से देख रहे हैं। और इस हवाले से मुझे खुशी भी है कि वाहिद हमारा कैमरा था जो हरम मौला अली अलैहिस्सलाम, हरम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और हरम गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के अंदर हमारा कैमरा था और हम पहली दफ़ा तारीख में उर्दू ज़बान में लाइव ट्रांसमिशन हरम के अंदर से पेश कर रहे थे। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि अरबईन की स्पेशल ट्रांसमिशन आपको ज़रूर दिखाएं लाइव, यानी नजफ से करबला का पैदल सफ़र जो 3 या 4 दिन पर मुश्तमिल होता है। दुआ कीजिएगा कि मैं इसमें कामयाब हूँ और अलमहदी टीवी की पूरी टीम इसमें कामयाब हो। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपने मरहूमीन के नाम हमें दे सकते हैं, अपनी दुआएं हमें दे सकते हैं, अपना सलाम लब्बैक या हुसैन और लब्बैक या शहदाए करबला हमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, करा सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश होगी कि हम अरबईन पे भी आपके लिए अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन पेश कर सकें। अपने मेज़बान बाकर जैदी और अलमहदी की पूरी टीम की लिए दुआ कीजिएगा और हमारी ये ट्रांसमिशन आपको कैसे लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा।